क्या मामला था चाचा? मामला यही था जो ना दो दो बार जो ना मेरा खेत चरा रहे थे, उसके बाद जो ना जबरदस्ती दुआरे चढ़ के आए हमारे, दो साल पहले सर फटा था, तब भी आज तक सुनाई नहीं हुई। और फिर बीच में दो महीना पहले जो ना घर गेट तोड़ के जो ना मारा गया जो ना, उसके बाद धमकी मिल रही है। और उस वक्त आप लोग जो है FIR दर्ज नहीं किए थे? FIR दर्ज हुई है 7 दिन बाद जो ना एसओ साहब जो ना पटेल हैं, 7 दिन बाद FIR पैसा लेके जो ना हमको लोग को बहकाया, छोटे को कोई सुनता है? और सुनील सिपाही उनका रिश्तेदार है, मित्र ही है जो ना फूलचंद, और भाभी है, बच्चा है, बिटिया है बड़ी। अच्छा, ये लगभग कितने कितने उम्र के होंगे सर? 18 के ऊपर है बिटिया। अच्छा, क्या मांग करते हैं आप? मांग करते हैं कि उसको सजा मिलना चाहिए, जैसे यहाँ घटना हुआ वैसे घटना होना चाहिए। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? हम ये बताना चाहते हैं कि अभी तक लगातार कोई कार्रवाई नहीं, दलित समाज में हत्याएं लगातार हो रही हैं और सरकार पूरी तरह से चुप्पी साधे बैठी हुई है। जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि दो साल पहले और दो महीने पहले पुलिस प्रशासन नज़दीकी जो थाना है फाफामो वहां पर ज्ञापन दिया गया था और जो इस तरह से धमकी मिल रही थी, लेकिन पुलिस उस मामले को दबाकर वहीं बैठ गई और उसी का अंजाम आज भुगतने को इस पीड़ित परिवार को मिल रहा है। 4 लोगों की हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई हैं। और हम तो यही मांग करते हैं कि जितने भी थाने के जितने भी स्टाफ हैं सभी को सस्पेंड किया जाए और अपराधियों का खुलासा करते हुए उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और उचित मुआवजा पीड़ित परिवार को मुहैया कराया जाए। क्या प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? क्या प्रशासन के ऊपर लगातार आरोप लग रहा है? यहाँ पर जितने भी स्थानीय गाँव के लोग हैं और परिवार के लोग हैं सभी लोग आरोप लगा रहे हैं कि कई बार वो थाने में गए, FIR दर्ज कराया, ले लिया गया, परंतु वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए पुलिस प्रशासन अपराधियों के साथ मिली हुई है और ऐसे ही हत्याएं पुलिस के माध्यम से लगातार होती चली आ रही है। दलित समाज की हत्याएं आपको लगातार देखने को मिल रही है प्रयागराज जनपद में। कहने का मतलब है यहाँ सुनाई पड़ रहा है कि 7वां केस है, क्या कहना चाहते हैं 7वें केस में? अब यही है कि प्रयागराज में अभी तो जंगल राज चल रहा है, अब इसे तो रोकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर बराबर घटनाएं होती जाती है। अभी 2 महीने पहले यहाँ पर हुआ था, अभी इसियापुर के पास, वहाँ पर 4 लोगों की हत्या हुई थी, लेकिन ये घटना रुक नहीं रही है। अभी 5-6 हत्याएं इस सरकार में 6-6 हत्याएं हो चुकी है, लेकिन इसका कोई खुलासा नहीं होता है, बाद में केस दब जाता है, कोई महत्व नहीं निकलता है। प्रयागराज में लगातार जो है 7 हत्या हो चुकी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है और यहाँ पे काफी हुजूम जुड़ चुका है। क्या कहना चाहते हैं इस मामले को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये मामला बहुत गंभीर है और बहुत गंभीर है, और जिस तरह से परिवार के लड़की के साथ रेप भी हुआ, परिवार जिस तरह से बता रहे हैं, अगर ये सन 2019 से एप्लीकेशन दे रहे हैं और आज तक देते आए, अगर पुलिस वाले अगर सही ढंग से कानून का उल्लंघन किए होते, कानून उनको सजा दिए होते कानूनी रूप से, तो वो अपराधी इतना बड़ा अपराध ना करते। सुनने में आया है लगातार जो है प्रयागराज में हत्याएं हो रही है, 7 हत्या हो चुकी है। 7 हत्याएं नहीं और उससे ज्यादा हत्या हो रही है, सबसे ज्यादा SC कास्ट भी हो रही है, उसके साथ साथ पासी समाज के लोगों की हो रही है। अभी ज्यादा जगदीशपुर में एक मर्डर हुआ, वहाँ बेटी की हत्या हुई और आज और पुलिस प्रशासन इस तरह से है कि अपराधी इस तरह से बढ़ चुके हैं कि पुलिस उस पर रोक ही नहीं लगा पा रही है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार तो पुलिस ही होगी ना। हम सभी लोगों से निवेदन करेंगे जिस तरह से इस तरह से अपराधियों ने घटना किए हैं, इस तरह से हत्या की है, गरीब परिवार हैं, वो गरीब परिवार हैं, तो वो कैसे छेड़छाड़ उनके साथ हो सकता है? वो गरीब हैं इसलिए उनके ऊपर झूठा आरोप लगा है। हमारे कहने मतलब है कि पहला नंबर तो फाफामो थाना पूरा सस्पेंड हो, ठीक है, और बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, जो मर्डर हुआ है सारे अपराधी पकड़े जाए। बच्ची के साथ बलात्कार भी हुआ है, 16 से 17 साल की है, और जो परिवार बचे उनको सुरक्षा दी। अभी प्रशासन आई थी, क्या आश्वासन दी है? प्रशासन कोई आश्वासन नहीं दिया, सुनने में आया कि 4 लोग पकड़े गए, इसमें गिरफ्तार हुए। देखिए, ऐसे तो बता रहे, सुनने में तो ये भी आ रहा है सन 2019 आज तक एप्लीकेशन देते रहे, FIR दर्ज हुआ है, चार्जशीट नहीं था कि आज भी